डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं 3.2 एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ। 3.2 कल मैंने 3.1 बताई थी, आज है ना आपको बता रहा हूँ आगे एंगल कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से आगे एंगल कैसे निकालते हैं वो बताना है, और बाकी के फंक्शन भी बताने हैं। तो इसमें इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, तो ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, और फिर इसके बाद में इसकी प्रैक्टिस करना। तो एक्सरसाइज 3.2 है, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात करो। निम्न प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करो। त्रिकोणमितीय फलनों का मान ये मालूम करना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर है 1 से लेके 3 तक, क्वेश्चन 1, 2, 3। तो अच्छी तरह से समझ लेना आप ये क्वेश्चन किस टाइप से होंगे। पहला है हमारे पास, ये कह रहा है, ये बोलता है कॉस एक्स इक्वल टू -1/2 है। कॉस एक्स इक्वल टू -1/2 है, ठीक है। तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो ये है ना तीसरे चतुर्थांश में, आप ऐसे देख लो, ये तीसरे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऐसे देख लीजिए, इसका मान जो होगा 180 प्लस थीटा भी हो सकता है और 270 माइनस थीटा भी हो सकता है, और इसमें टेन और कॉट प्लस के होती हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखो, बाकी किसी से मतलब नहीं है। थर्ड चतुर्थांश की बात कर रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ है। तो थर्ड की बात कर रहा है, वो कह रहा है तीसरे चतुर्थांश में ये, तो ये तीसरे चतुर्थांश की ये स्थिति होती है। अब आप ये देखिए, कॉस में 1/2 मान कितने का होता है, तो कॉस में 1/2 मान आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया है, कॉस में 1/2 मान 60 अंश का होता है। ठीक है, 60 मतलब π/2, कॉस में 1/2 मान 60 अंश का होता है, तो ये कॉस π/3 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ 180 प्लस वाला लेते, ये नहीं लेते, क्योंकि इससे है ना चेंज हो जाता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, तो आप इसको यहाँ लिख दो, तो ये क्या है थीटा। आप इसको 30 भी लिख सकते हो, बाद में चेंज कर लो रेडियन में। चलो ये कॉट 60, कॉस 60 का मान है। ठीक है, अब अगर इसको प्लस, आपको ये माइनस ये ना, इसको आप यहाँ इसको ऐसे लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस, माइनस हट जाएगा, तो यहां लिखोगे कॉस 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक है ना, या आप इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो और भी तरकीब है, चलो ऐसे छोड़ो, ऐसे ज्यादा लंबा प्रोसेस पड़ेगा, इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये यहां पे आप त्रिभुज बनाइए, ये है ना एक्स है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास 1 है और कर्ण हमारे पास 2 है, हम लंब निकालेंगे, तो लंब अगर निकालते हैं हम, तो कर्ण के स्क्वायर में से और आधार का स्क्वायर घटाते हैं, तो ये आएगा 4 - 1 यानी √3, तो ये √3 आया। अब आप बाकी के पांचों जो त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य 5 त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात करने, तो आप लिख लो कॉस तो है हमारे पास, अन्य 5 क्या है, एक तो साइन है और कॉस है, तो टेन है और कॉट है और सेक है और कॉसेक है, इसके मान निकालने हैं हमें। ठीक है, तो यहां देखो साइन होता है लंबवटीकरण, तो लंब हमारे पास क्या है √3 और कर्ण हमारे पास है 2,
और थर्ड बारे में साइन है ना नेगेटिव होता है, तो यहां माइनस लगा दो। टेन टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे आधार होता है तो ये आएगा अंडर रूट तीन बटे एक, और टेन है ना तीसरे में प्लस का होता है तो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस रहेगा। ठीक है, अब कॉट देखिए, कॉट होता है आधार बटे लंब, तो यहां से देखिए आधार आधार बटे लंब तो ये आएगा एक बटे अंडर रूट तीन, और कॉट तीसरे में पॉजिटिव होता है तो ये प्लस ही रहेगा। इसके बाद में आता है नंबर इसका सेक का और कोसेक, तो सेक क्या होता है लाल बटे कक्कासी, लाल बटे कक्कासी देख रहे हैं बेटा हम, तो ये साइन ये कॉस ये टेन और ये कॉट, सेक होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण इधर हमारे पास ये है और आधार ये है तो दो बटे एक, ठीक है, और सेक है ना तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है तो ये माइनस आएगा। इसके बाद कोसेक, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारे पास ये है लंब ये है तो ये दो बटे अंडर रूट तीन आया, और कोसेक तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आएगा। क्लियर है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने ये देखा कि कॉस है ना एक बटे दो दे रखा है, माइनस का इसलिए दे रखा है कि वो तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में कॉस है ना नेगेटिव होता है इसलिए माइनस दे रखा है। ठीक है, और कॉस जो होता है वो होता है इससे आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास एक है कर्ण हमारे पास दो है, तो हमने लंब निकाला ऐसे तो तीनों निकल के आए, ये वाले तीनों निकल के आ गए, आधार ये कर्ण ये लंब ये तीनों निकल के आए, तो इसमें मान लगाया है साइन टेन कॉट सेक कोसेक, इसमें हमने मान लगाया है इसका, और देख लिया इसमें थर्ड वाले में टेन और कॉट प्लस के हैं तो ये दोनों प्लस के रखेंगे बाकी के सब नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें तीन क्वेश्चन है एक होमवर्क में दे देंगे। चलो इसके बाद में एक थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो, इसका सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, थर्ड वाला देख लो एक बार और अच्छी तरह से देख लो समझ लो कैसे होगा। तो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास sec x बराबर 13 अपॉन 5, ये लिखा है sec x बराबर 13 अपॉन 5 ये दे रखा है, और ये कह रहा है चतुर्थांश में चौथे चतुर्थांश में इसमें, ठीक है, तो इसमें हमें मालूम है एक तो sec प्लस का होता है और एक cos प्लस का होता है, तो ये तो दो प्लस के रहेंगे बाकी के सब नेगेटिव रहेंगे, ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाला है ये थर्ड वाला है ये फोर्थ वाला है। ठीक है, sec क्या होता है लाल बटे कक्कासी, लाल बटे कक्कासी ये साइन होता है ये कॉस होता है ये टेन होता है ये कॉट होता है सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो ये कर्ण है और ये आधार है। चलो पहले इससे एक त्रिभुज बनाती हैं हम, ये एक्स कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और आधार ये है और कर्ण ये है। अब पहले हमें लंब निकालना है तो हम लंब निकालेंगे बीसी, तो लंब निकालते हैं तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाती है, तो 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो ये आएगा 169 और 25 और अंडर रूट 144 और ये 12 आया। ये चीज़ तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब ये कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात 5 बताओ, सेक हमें मालूम है तो हमें किस किस को लिखना है, अब हमें साइन को लिखना है और कॉस को लिखना है और टेन को लिखना है, तीन तो ये हो गए, और इसके बाद कॉट लिखना है
और sec हमारे पास है cosec को लिखना है, इसके मान निकालने हैं हमें, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इससे साइन होता है लंबवटीकरण, cos होता है आधार वटीकरण, tan होता है लंब बटे आधार, cot होता है आधार बटे लंब, और cosec होता है कांड बटे लंब। अब यहां से मान लगा दो तो देखो ये तो है लंब, ये है कर्ण और ये है आधार। तो लंब बटी कर्ण, ये कर्ण है, ये लंब है इधर और ये आधार है। तो ये लंब बटी कर्ण, तो लंब है 12 और कर्ण है 13। अब हमने बताया चौथे चतुर्थांश में sec और cos प्लस के होंगे, मतलब एक sec तो हमें जो प्लस का दे रखा है और एक cos वाला और प्लस का होगा ये वाला, बाकी के सब पे माइनस लगाना है, ठीक है ना। तो ये आया, अब cos प्लस का होगा, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो ये 5/13 आएगा, ये लंब बटे आधार तो 12/5, ये भी माइनस का आएगा क्योंकि हमें मालूम है इसमें sec और cos प्लस के होंगे, ठीक है। तो ये प्लस का होगा और एक ये प्लस का होगा, बाकी के सब नेगेटिव होंगे। cot आधार बटे लंब, तो आधार ये है लंब ये है, तो ये माइनस के 5/12, और फिर कांड बटे लंब, तो ये माइनस के 13/12। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, क्लियर है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप देख लो, ये तो पहले 1 से 3 तक क्वेश्चन हो गए, 1 से 3 क्वेश्चन है ना, वो यही पैटर्न है। एक हमें sec cos tan कुछ भी दे रखा होगा, उससे दो भुजाएं हमको मालूम पड़ जाएंगी समकोण त्रिभुज की, तीसरी भुजा हम निकालेंगे और तीनों भुजा निकाल के फिर इससे sin cos tan में मान लगा देंगे। अब वो कह रहा है कौन से चतुर्थांश में, चौथे में, तो चौथे में sec और cos को प्लस रखेंगे, बाकी के सब पे माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। अब वो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक, इसमें आपको एंगल निकालना है, कोण निकालना है कि कितने डिग्री का कोण ए और इसका मान कितना है, कोण का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 4 से और लास्ट, इसमें कोण का मान पूछा है, कोण का मान ज्ञात करो। और इसमें हमें दे रखे हैं, पहला दे रखा है फोर्थ वाला 765 साइन 765 साइन 765 डिग्री। तो आप 360 और 360 को दो बार गुणा करें हम, तो ये 720 आया, और इसमें कितना जोड़ें 765 हो जाए, तो 45 जोड़ेंगे। तो इसी टाइप इसको हम लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे साइन 2 × 360, ये कितने हो गए 720, और इसमें 45 जोड़ दिए। पहले हमने आपको बताए थे क्वेश्चन इस टाइप के, तो यहां देखिए 360 प्लस थीटा नो चेंज होता है, 360 और 180 बारे नो चेंज, तो 360 प्लस थीटा नो चेंज है, तो इसका साइन ही रहेगा साइन 45। अब हमें ये देखना है ये माइनस का रहेगा प्लस का रहेगा, तो 360 का दो चक्कर लगाएं ऐसे, एक चक्कर और फिर दो चक्कर, और 45 इसमें आया है, और इसमें सभी प्लस के होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी प्लस का रहेगा, तो ये भी प्लस का रहेगा, तो इसका मान लिख दो साइन 45 का मान 1/√2। तो ऐसे आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अब 90 से ऊपर के सारे जो कोण है ना, उनके मान आप निकालोगे ऐसे। अब इसके बाद और आगे देखिए 19π/3 टेन में 19π/3 का मान पूछा है, टेन 19π/3। तो पाई को पहले इसको रेडियन को अंश में चेंज कर लो, तो पाई का मान है ना 180 लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम tan 19 × 180/3, 3 से काट दिया ये, और 19 × 95 19 × 6 114,
तो 114 और 0 इतने डिग्री है ये, टेन 1140 डिग्री है, इसका मान पूछा है, ठीक है, टेन 1140। तो आप ये देखिए, ये है टेन 1140 का मान पूछा है, तो यहाँ देखिए जोड़ते रहो, 360 360 360 कितने हो गए, 1080 हुए। तीन बार 360 का गुणा करेंगे तो 1080 आएगा, और 1080 में कितना जोड़ेंगे, 1140 हो जाए, तो 60 जोड़ेंगे, तो ये 1140 बनेंगे। तो इसको ऐसे ही लिख दो, तो टेन तीन बार है ना, एक 360 तो 3 × 360 और इसमें हमने 60 जोड़ी, तो ये 1140 बना। अब वो वही फॉर्मूला 360 प्लस थीटा, तो 360 और 180 वाले नो चेंज हैं, तो इसको आप लिखोगे टेन 60। अब 360 प्लस थीटा, तीन बार चक्कर लगाया 360 का, तो चक्कर जो लगाते हैं ना हम एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 360, फिर यहाँ से 2 360, फिर यहाँ से 3 360 और 60 है इसमें, तो ये यहाँ है कोण, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं, तो सभी प्लस के होते हैं, तो ये भी प्लस का होगा, इससे तो हम चेंज करते हैं, चेंज होगा कि नहीं होगा, और इससे हमें ना देखते हैं निशान प्लस का है माइनस का है, इसमें 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 सभी प्लस के होते हैं, इसमें साइन और कोसेक, इसमें टेन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक प्लस के होते हैं, ठीक है। तो बस ये प्लस का होगा पहले चतुर्थांश में, तो इसका मान होता है अंडर रूट 3, तो टेन 19π/3 का मान अंडर रूट 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चलो एक और माइनस का क्वेश्चन देख लेते हैं, नेगेटिव वाला, और फिर आप ये पूरी एक्सरसाइज अपने आप कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नेगेटिव वाला इसमें ए 6 7 दोनों नेगेटिव के हैं, तो चलो एक 7 वाला देखती है। तो 7 वाला क्वेश्चन है, कॉट माइनस 15π/4 ये, तो पहले तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कॉट माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो आप आगे माइनस लगा दो या कोण ऐसे देख लेना डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले माइनस ये कोण लगाओ आगे, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये कॉट माइनस का और ये ऐसे लिख लोगे। अब पाई का मान लगाओ इसमें, तो कॉट 15 और पाई का मान 180/4, तो 4 से इसको काटेंगे तो ये 45 आएगा, 45 और 15 का गुणा कर दो, तो 15 × 75 हासिल 7, 15 × 7 67 इतने डिग्री आया, 675 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए 675, 360 × 720 होते हैं, 720 में से 45 घटाएंगे तो 675 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉट 2 × 360 तो कितने हो गए 720, 720 में से 45 घटाई हमने तो ये 675 आए। अब 360 माइनस थीटा चेंज होता है कि नहीं होता है, 360 माइनस थीटा नहीं चेंज होता तो ये 45 आएगा, और माइनस का आएगा प्लस का आएगा, ये देखो 360 माइनस थीटा यहाँ होता है, इसमें इसमें कॉस और सेक प्लस के होते हैं, और ये है कॉट, इसलिए माइनस का होगा। अब इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और यहां देखिए इसका मान जो आएगा वो आएगा प्लस का, कितना हो गया, कॉट 45 का मान होता है 1। अब वैसे निशान देखना चाहो तो वैसे भी देख सकते हो आप, तो यहां देखो 360 माइनस थीटा 360, अब ये माइनस का है एंगल इसका, ठीक है ना, तो उल्टा घुमाएंगे, तो एक चक्कर यहां तक, फिर दूसरा चक्कर यहां तक, ठीक है, तो ये हो गया। अब माइनस 45, माइनस 45 तो वापस यहीं आएगा, तो इसमें तो सभी प्लस के होते हैं, तो ऐसे देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो आप, नेगेटिव होता है ना
तो क्लॉकवाइज घूमता है, और पॉजिटिव होता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, और ये एंगल आपको ऐसे निकालने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एक्सरसाइज फिनिश हो गई, और कल 3.3 एक्सरसाइज बताएंगे। धन्यवाद।